फोरलेन में 24 घंटे के भीतर हुए दूसरे बड़े हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सोमवार रात हुए हादसे के बाद शव को तत्काल मर्चुरी पहुंचाया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फोरलेन में दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की सुबह पावर हाउस चौक में हुए दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सोमवार रात सुपेला चौक में पेट्रोल पंप के समीप हुए हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फोर लेन में फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। वहीं फोर लेन की खराब सड़क भी दुर्घटनाओं का कारण बने हुई है। फोर लेन में एक ओर से दूसरी ओर आने जाने मिडिल कट बनाए गए हैं। यहाँ से वाहन चालक सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर एक ओर से दूसरी ओर आना जाना करते हैं, जिससे इनके दूसरे वाहनों की चपेट में आने का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। बहरहाल दुर्घटनाओं पर काबू करने प्रशासन को ठोस पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।